केम छो विकास, गुजरात के जिस वडनगर में नरेंद्र मोदी ताल्लुक रखते हैं, जिससे वहां के लोगों को पहली बार उस वक्त अपने गांव पर गर्व हुआ जब उन्हें पता चला कि नरेंद्र मोदी सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री के गांव में जी न्यूज की टीम कई बार गई है। वहां के स्कूलों में, वहां के मंदिरों में, वहां के रेलवे स्टेशन पर, नुक्कड़ चौराहों पर, हर जगह जो भी लोग मिलते हैं, उनके अंदर इस बात का एहसास होता है कि उनका गांव हर लिहाज से खास है। गुजरात का वडनगर रेलवे स्टेशन, जहां कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय बेची थी, अब आधुनिक रूप लेने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पीएम का इंटरनेशनल गांव वडनगर बनेगा वर्ल्ड नगर। पीएम इस दुकान पर बेचते थे चाय, अब ये चाय की दुकान बनेगी टूरिस्ट स्पॉट। पीएम मोदी के टी स्टॉल का दर्शन करेगी दुनिया। ये वही चाय की दुकान है जहां पीएम मोदी बचपन में अपने पिता के साथ सुबह स्कूल जाने से पहले चाय बेचा करते थे। अब इस टी स्टॉल के दर्शन पूरी दुनिया करेगी। सरकार करोड़ों की लागत से वडनगर का चेहरा बदल रही है, लेकिन इस चाय की दुकान को वैसे ही रखा जाएगा ताकि उसका आकर्षण बना रहे और प्रधानमंत्री की शुरुआती यादें हमेशा ताजा रहें। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जिस स्टॉल में नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, उसमें बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। उसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा और बताया ये जा रहा है कि शीशे से कवर किया जाएगा उस उतने स्टॉल को जहाँ पर नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, क्योंकि वडनगर के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि जिस स्टेशन पर नरेंद्र मोदी ने चाय बेचा, अब उसी स्टेशन को नरेंद्र मोदी के नाम से एक तरीके से पहचाना जाता है, वडनगर को। गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन को भी मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। जहां फिलहाल मुश्किल से 2 मीटर गेज ट्रेनें आती हैं, वहां जल्द ही कई ब्रॉड गेज लाइन की ट्रेनें रुका करेंगी। पूरे स्टेशन का 6 करोड़ के खर्च से मेकओवर हो रहा है, जिससे वडनगर को दूसरे शहरों के साथ जुड़ने में बहुत मदद मिलेगी। फिलहाल यहाँ के लोगों को दूर के बड़े शहरों में जाने के लिए पहले महेसाणा जाना पड़ता है और फिर वहाँ से ट्रेन मिलती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है, जो कि आप देखिए पौराणिक महत्व के जो बिल्डिंगें होती हैं उस हिसाब से वडनगर रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। जिस वक्त पीएम मोदी यहाँ पर चाय बेचा करते थे, उस वक्त मीटर जो होती हैं उस तरह की लाइनें यहाँ पर हुआ करती थी। अब यहाँ पर ब्रॉड गेज लाइनें इस वक्त बिछाने का काम चल रहा है वडनगर में, और वडनगर को अब सीधे माउंट आबू, जो कि आबू रोड राजस्थान में पड़ता है, उससे जोड़ा जाएगा और उसी की कवायद यहाँ पर चल रही है। वडनगर रेलवे स्टेशन को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। मॉडर्न स्टेशन के साथ पूरे वडनगर को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा रहा है। वडनगर के विकास का काम तेजी से हो रहा है। ये पूरा काम पर्यटन मंत्रालय द्वारा 100 करोड़ के खर्च से तैयार किए जा रहे टूरिस्ट सर्किट का हिस्सा है। इस सर्किट में वडनगर के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व स्थल पाटन और सूर्य मंदिर का मोढेरा भी शामिल है। साथ ही महज 30,000 की बस्ती वाले शहर में 450 करोड़ के खर्च से एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल भी बनेगा। मेरा तो एक गौरव है, कहीं कहीं पे होगा पर वडनगर का कुछ ही खोने खोने में नाम तो वडनगर का ही होगा ना। तो विकास तो रेलवे स्टेशन का बनाया है, तानारी का बनाया है, वो तराब ने सब बनाया, सब कहीं को जगह पर ही सिविल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, आईटीओ के बनाए, सब काम अच्छा ही किया मोदी का। अच्छा है मोदी, बहुत बहादुर है मोदी। उम्मीद है कि वडनगर को टूरिस्ट स्पॉट बनाए जाने पर लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गांव का विकास तेजी से होगा। हालांकि अब भी शहर में कुछ जगहों पर गंदगी और कुछ इलाके विकास से दूर हैं, जहां काफी काम किया जाना अभी बाकी है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, वडनगर। वडनगर में थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब वडनगर में अपने स्कूल बीएन हाई स्कूल पहुंचे थे, तो गाड़ी से उतरकर सबसे पहले अपने स्कूल की माटी को छूकर उसका नमन किया था।
पीएम मोदी ने स्कूल की मिट्टी से अपने माथे पर तिलक भी लगाया था। उस वक्त भी पीएम मोदी को मिलने हजारों लोग वडनगर में जमा हुए थे। इन 22 सालों में कितना कुछ हुआ, पीएम मोदी के स्कूल का विकास किस तरीके से हुआ, इस पर ये रिपोर्ट देखें। हम इस वक्त वडनगर के बीएन हाई स्कूल के बाहर मौजूद हैं और ये स्कूल वो स्कूल है जहां पर नरेंद्र मोदी ने बचपन में पढ़ाई की थी। वडनगर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी महज 500 मीटर है और बताया ये जाता है कि जब वो स्कूल से छूटते थे नरेंद्र मोदी तो सीधे रेलवे स्टेशन जाते थे जहां पर चाय बेचा करते थे। और आज भी बीएन हाई स्कूल यहां पर मौजूद है और आज भी यहां पढ़ाई होती है और यहीं से पढ़ाई कर नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल में मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचपन के वक्त पढ़ाई की थी, यानी वडनगर का बीएन हाई स्कूल। और गुजरात चुनाव के वक्त हम यहां पर पहुंचे हैं और हमारे साथ यहां पर वो तमाम अध्यापक मौजूद हैं, प्रिंसिपल मौजूद हैं जो कि इस स्कूल में पढ़ाते हैं। क्या कुछ सोचते हैं लोग नरेंद्र मोदी को लेकर और वडनगर को लेकर और गुजरात की सियासत को लेकर, हम बात करेंगे सभी लोगों से। और इस वक्त हम स्कूल के प्रांगण में ही मौजूद हैं। तो सबसे पहले अशोक गोस्वामी जी जो कि यहाँ के प्रिंसिपल हैं, नरेंद्र मोदी ने यहाँ से पढ़ाई की थी, आपका स्कूल आज भी चल रहा है, कैसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री जब बने? नरेंद्र भाई मोदी हमारे स्कूल के स्टूडेंट है तो वो बात पर हमें बहुत गर्व है, बहुत आनंद है और हमें उसके पर बहुत गौरवपूर्ण महसूस करते हैं। गुजरात में तो नरेंद्र भाई है तब तक तो हम नरेंद्र भाई के साथ हैं और नरेंद्र भाई और उसका पक्ष विजय होगा। भले ही कांग्रेस भाजपा की लड़ाई हो लेकिन नरेंद्र भाई का प्रभाव ही ऐसा है कि सियासत में उनका नाम ही चलेगा। नरेंद्र भाई एक महान व्यक्ति हैं, हमारे गांव के लिए वो गर्व की बात है। ओनली वडनगर नहीं लेकिन सारे गुजरात के सभी जगह पर नरेंद्र भाई ने बहुत ज़्यादा विकास किया है और विकास का रिजल्ट भी इस इलेक्शन में भाजपा को मिलेगा। तो देखिए यहाँ के अध्यापकों की राय है नरेंद्र मोदी को लेकर कि उसकी इसी स्कूल में नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई की थी और गुजरात चुनाव पर हमने यहाँ के अध्यापकों की भी राय जानने की कोशिश की। कैमरामैन राजेश चौहान के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वडनगर।